नमस्कार दोस्तों, यथार्थ एकेडमी आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग, और एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई और मिल के आप लोगों से बहुत अच्छा लगा मुझे, काफ़ी बढ़िया फील हुआ। और आप लोग हमारे काम को बहुत अप्रिसिएट करते हैं, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी देखिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है, तो इसमें मैं बहुत नई चीज़ें कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ। नई चीज़ों के लिए हम लोग जल्दी ही एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2-3 दिन के गैप के बाद हम लोग नई चीज़ें 2018 के लिए शुरू करने वाले हैं, लेकिन वो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। पर सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज़ के पेपर को भी हम लोग एनालाइज करेंगे, और क्या फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमको लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज मैं आप लोगों को जनरल हिंदी के बारे में एक दो इम्पॉर्टेंट टिप्स और उसके बाद एसए के कुछ टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी में पूछे गए हैं और इस समय के लिए रिलेवेंट हैं। उन टॉपिक्स पर कुछ कुछ चीज़ें ब्रीफली डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। देखिए, जनरल हिंदी में मैं 2 चीज़ें सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करनी होती है आपको, और साथ ही साथ उसका शीर्षक बताना होता है। तो व्याख्या तो सब लोग अपने हिसाब से करते हैं, कैसा फ्रेज आ रहा है उसके बारे में डिटेल अभी नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन शीर्षक वाला जो क्वेश्चन का आंसर करते हैं, चूंकि ये पहला ही क्वेश्चन होता है, तो ये आप जितना ज़्यादा इफेक्टिव लिखेंगे आपके नंबर पर उतना ही अच्छा असर पड़ेगा, ठीक है। आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ेगा वो अच्छा होगा, तो आपके नंबर जनरली बढ़ जाते हैं, एवरेज से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, शीर्षक लिखने में कई लोग को देखा है मैंने कि वो सीधा सीधा शीर्षक लिख देते हैं कि ये शीर्षक होगा, लेकिन आप शीर्षक लिखने से पहले उसके केंद्रीय थीम, जो सेंट्रल थीम है उस पैराग्राफ का, वो जरूर बताइए। कि जैसे श्रम के बारे में पूछा गया था, तो श्रम के महत्व पर चर्चा किया गया है, तो इसके बारे में बताइए कि इस पूरे पैराग्राफ के सेंट्रल में बार बार लेखक जो है वो श्रम के महत्व के बारे में चर्चा कर रहा है, तो मानवीय श्रम का महत्व या श्रम का महत्व, तो पहले ये बताने के बाद आप अपना शीर्षक प्रपोज कीजिए। और शीर्षक हमेशा ध्यान रखिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, थोड़ा आकर्षक भी हो, ठीक है, मतलब वो आई कैचिंग होना चाहिए। तो एक ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मुहावरे के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुहावरे में जब भी आप अर्थ लिखिए तो अर्थ होगा आपको जैसा याद होगा आप वैसा लिख देंगे, लेकिन वाक्य प्रयोग में हमेशा ध्यान रखिए कि वाक्य आपके अलग अलग क्षेत्रों से चुने हुए हों। जैसे कुछ विश्व राजनीति से आपने उठा लिया, कुछ डे टू डे लाइफ से उठा लिया, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुहावरे के लिखने के बाद ये तो वही बात हो गई। कई लोगों को देखा मैंने कि हर लाइन में, हर वाक्य प्रयोग में कहते हैं कि ये तो वही बात हो गई, 9 दिन चले 2.5 कोस, तो ये तो वही बात हो गई वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा लिखिए कि उसका स्वाभाविक रूप से मौलिक प्रयोग दिखे। तो और दूसरी चीज़ कि एक ही तरह से नहीं कि राम को देख करके उसने ये कहा या राम ने ऐसा किया, राम ने ऐसा किया, ऐसा नहीं। आप जैसे कभी विश्व राजनीति से ट्रंप का एग्जाम्पल ले लिया, किम जोंग का एग्जाम्पल ले लिया, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, स्पेस का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग फील्ड से आपके एग्जाम्पल में भी वैरायटी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो हिंदी के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और आगे हम लोग चर्चा करने आ रहे हैं एसए के बारे में। तो अभी मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों को बताऊंगा कि इन इन टॉपिक्स पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, हालांकि वो गेस नहीं है, मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, एसे के बारे में जहाँ तक है कि एसे लिखने का तरीका जो है वो 1 से 2 दिन या 1 महीने में नहीं सिखाया जाता। एसे का टेस्ट इसीलिए लगता है कि वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, और वो नितांत व्यक्तिगत मौलिक होते हैं, ठीक है। तो एसे आप हमेशा मौलिक होकर के लिखिए, और निश्चिंत रहिए हर तरह के लोगों को एसे पे नंबर मिलते हैं, मतलब हर तरह के आपने अगर ठीक से अपनी बातों को ठीक से रखा है तो नंबर आपको मिलेंगे। अब जैसे कई लोगों को कन्फ्यूज होती है कि एसे की शुरुआत कैसे करें, तो देखिए शुरुआत करने के अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग कोटेशन से शुरुआत करते हैं, कुछ लोग किसी कहानी से शुरुआत करते हैं, कुछ लोग उसको थोड़ा सनसनीखेज बनाते हुए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आप किसी भी तरीके का शुरुआत कर सकते हैं, बस शर्ते ये ध्यान रखिए कि अगर कोटेशन या कहानी यूज कर रहे हैं तो वो जो टॉपिक है उससे बहुत ही रिलेवेंट हो, और उस कहानी को या कोटेशन को पढ़ने के बाद एग्जाम्पल को, एग्जामिनर को ये लगे कि आपने पूरे एसे की थीम समझ ली है, ठीक है। और जनरली कंक्लूजन में जाते हो, जैसे क्वेश्चन से आपने शुरुआत की, तो कंक्लूजन में जाते जाते एक लूप बनना चाहिए, और आप अंतर्गता निष्कर्ष के रूप में उन क्वेश्चन का आंसर देते हुए प्रतीत होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का आपको, इस तरह की आपको शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग कुछ टॉपिक्स एसे के जो हमने यूपीएससी में पूछे गए टॉपिक्स से ही सिलेक्ट किया है। तो कुछ तो मैंने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे,
और कुछ के बारे में मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसकी थीम के बेस पर ही लिखा है। मतलब कि जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो एसए के टॉपिक्स हैं, वो एग्जैक्टली यूपीएससी में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसको मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, बट इसेंस वही है, इसी से रिलेवेंट टॉपिक्स पे एसए पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछला पेपर जो हालांकि लीक हो गया था गलती से, उसमें भी एक दो ऐसे ऐसे थे जो एग्जैक्टली यूपीएससी से उठा लिए गए थे, जैसे कि भारत की समस्या आर्थिक या नैतिक, ये 2015 में पूछा हुआ टॉपिक था, एज इट इज उठा के डाल दिया गया था। तो खैर, इसे आप गेस मत समझिएगा, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट ए गेस, बस हम एक सर्टन टॉपिक्स है जो मुझे लगे कि ठीक टॉपिक्स हैं, अच्छे टॉपिक्स हैं, और आपके पास अभी 2 दिन का समय है, तो इन 2 दिनों में आप एसए के लिए जो तैयारी कर सकते हैं वो यही कि इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपने अपना गेस किया ही होगा और अपने स्तर पर तैयारी कर ही रहे होंगे, तो कोटेशंस, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें एसए के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन टॉपिक्स पे आप ब्रीफली 5-5 मिनट, 10-10 मिनट या 15-15 मिनट में एटलीस्ट आप ये सोच सकते हैं कि इसकी फ्रेमिंग क्या होगी, क्या क्या कंटेंट होगा, ये टॉपिक जो है एक्चुअली क्या डिमांड करता है, इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सोचेंगे तो रिलेवेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड टॉपिक्स अगर आपके पास एसे में आते हैं तो आपके पास लिखने के लिए कुछ पहले से प्री डिसाइडेड मैटर होगा और आपका एसे जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। तो कुछ कुछ टॉपिक्स को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था कि क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक है, ये IAS 2013 में पूछा गया था। तो इस तरह के, चूंकि यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पीसीए से पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, तो इसके ऊपर भी आप थीम अपना बना सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है। औपनिवेशिक, पहले तो औपनिवेशिक मानसिकता क्या होती है, उस मानसिकता को डिफाइन करने के बाद आप बता सकते हैं कि अभी भारत में औपनिवेशिक मानसिकता कहाँ कहाँ बची हुई है, किन किन सेक्टर्स में बची हुई है। बहुत सारे सेक्टर्स में बची हुई है, जैसे हमारी नौकरशाही हमने बिल्कुल वहीं से अडॉप्ट की हुई है। तो वहाँ पर मानसिकता जो एलीट क्लास दिखाने की, अपने आप को अंग्रेज क्या करते थे, उपनिवेशों को अपने से कमतर समझते थे और बाकी अपने आप को अपर क्लास समझते थे, तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं अभी भी हमारे देश में है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या भारत सफल नहीं हो रहा है, कितने सारे सेक्टर्स में सफल हो रहा है, तो क्यों सफल हो रहा है, इन सब चीज़ों की आपको एनालिसिस इसमें करनी होगी। तो आपको करना क्या है, इस टॉपिक पे आप ब्रीफली कुछ एग्जांपल्स, कुछ कोटेशंस, इस तरह की चीज़ें, रिलेवेंट चीज़ें, भारत की वर्तमान में क्या हो रही हैं, सफलता में कहाँ बाधा आ रही है इस मानसिकता की वजह से, और क्या ये वास्तव में सच है या नहीं है, इन सब चीज़ों की आपको एनालिसिस करनी है। देखिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एसे का कोई भी सेट फॉर्मेट पैटर्न नहीं होता है, ये नितांत व्यक्तिगत विचार होते हैं, मौलिकता होनी चाहिए इसमें। तो आप अपने मौलिक विचार तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ, कोटेशंस के साथ, रेफरेंसेस के साथ आपको पुष्ट करना होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है, किधर जा रहा है भारतीय लोकतंत्र। अब ये टॉपिक हालांकि ये काफ़ी पहले पूछा गया है यूपीएससी में, लेकिन ये टॉपिक वर्तमान में बहुत ही रिलेवेंट है, तो इस थीम पर बेस्ड एसे के टॉपिक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। डेमोक्रेसी तो चल रही है, पर लोकतंत्र को जो चलाने के लिए व्यवहारिक पक्ष है उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं तेजी के साथ, ठीक है। राजनीति में बहुत सारे तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तो अंततः भारतीय लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, उसकी दिशा कितनी सकारात्मक है, कितनी नकारात्मक है, लोगों का पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से नकारात्मकता हावी हो रही है, कई स्तर पर सकारात्मक भी है, क्योंकि कई ऐसे दबे कुचले तबके के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, उनके अंदर जागरूकता बढ़ रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सिंबल है। लेकिन इसकी वजह से कई स्तर पर टकराहट भी हो रही है, कई जगह से सत्ता पाने की लालच लोभ इतना बढ़ा हुआ है कि निगेटिव राजनीति भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। लोकतंत्र को सोशल मीडिया के जरिए प्रभावित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, वैश्विक स्तर पर भी आप देखें, यूएसए के इलेक्शन में फेसबुक का डेटा लीक इसी की एक कड़ी के रूप में आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम आंकड़े, तमाम तथ्य आपको जुटा के इसकी दिशा बतानी है कि सकारात्मक है, नकारात्मक है, क्या सुधार किया जा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ कि एसे में जब भी समस्या से रिलेटेड हो तो आप कोई प्रश्न उठाते हैं तो आपका ऐसे समाप्त होने से पहले उस प्रश्नों का उत्तर भी आप अपनी तरफ से देने की कोशिश जरूर करें, समाधान भी जरूर देने की कोशिश करें, ठीक है। सहकारी संघवाद, मिथक या वास्तविकता, ये देखिए 2016 में पूछा गया है, 2015 का ही एक सीधा सीधा टॉपिक उठा के पूछा गया था आपसे, अभी जो पेपर लीक हो गया उसमें। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड होती है, तो सहकारी संघवाद कैसे मिथक है या वास्तविकता। अभी एक अरुण जेटली जी का भाषण आया था बैंक के सेमिनार में, किसी उन्होंने भाषण दिया था कि संघवाद को, सहकारी संघवाद को खतरा केंद्र से केंद्र की वजह से नहीं, राज्यों की वजह से है।
अभी जैसे पश्चिम बंगाल का उदाहरण आप देख सकते हैं, कई सारी योजनाओं में पार्टिसिपेशन से सीधा सीधा मना कर दिया, तो ये भी सहकारी संघवाद के ऊपर क्या है, एक कुठाराघात है, एक खतरा के रूप में है। तो अभी वास्तव में क्या स्थिति है सहकारी संघवाद, क्या वास्तव में पॉसिबल है या नहीं है, या किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों की एनालिसिस आपको करनी है। मैं यहाँ पे देखिए ऐसे के लिए एक दो दिन में तैयारी तो नहीं की जा सकती, बस मैं आपको सिर्फ कुछ टॉपिक से पहले से अभ्यास करके या सोच कर जाने के लिए बस ये रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। राजनीति और नैतिकता ये बहुत ही पुराना टॉपिक है और हम हर समय रिलेवेंट होता है, ठीक है। राजनीति में नैतिकता का क्या स्थान है, कई लोग कहते हैं कि राजनीति छल छंद से मिलकर बनी होती है, जैसे कि गीता में भी या कई जगह महाभारत में कहा है कि राजनीति जो है अपने पीछे छल छंद की धूल उड़ाते हुए चलती है। तो क्या वास्तव में ऐसा है, क्या राजनीति बिना नैतिकता के ही होगी, या नैतिकता भी उसमें समाहित करके अच्छी राजनीति की जा सकती है, इन सब चीज़ों पर आपको विचार इस पर प्रस्तुत करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र कितना प्रभावी। तो देखिए भारत कई तरह की आपदाओं से पीड़ित है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है, ठीक है, भूकंप से भी, भूकंप के भी इसमें सेंसिटिव जोन्स हैं, तो पर्यावरणीय संकट है, ठीक है, साइक्लोन से प्रभावित इसके तटीय क्षेत्र हैं, तो इस तरह की तमाम आपदाएं हैं, जैसे अभी उत्तराखंड में, चेन्नई में, तमाम जगह पर समस्याएं आती रहती हैं। तो आपदा प्रबंधन तंत्र भारत का कितना प्रभावी है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको कुछ चीज़ों की कॉन्क्रीट जानकारी होनी चाहिए कि भारत में वर्तमान में आपदा प्रबंधन तंत्र की क्या स्थिति है। तो देखिए पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक ऐसे आता ही आता है, अगर आप उसको अटेम्प्ट करना सोच रहे हैं तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लीजिए कि भारत में आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एनडीआरएफ की टीम गठित की गई है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं ये आप पूछ सकते हैं। ये 2000 में पूछा गया था यूपीएससी में, ठीक है। न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र, तो ये टॉपिक भी बहुत ही 2004 में पूछा हुआ है एज इट इज, बट ये बहुत ही रिलेवेंट है इस समय भी। अब आप एग्जाम्पल्स के लिए आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी चार जजेज का केस देखिए, चार जजेज ने जो है प्रेस में मीडिया में आके स्टेटमेंट दिया है। कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें न्यायपालिका जो है आगे बढ़कर सक्रिय रूप से इंटरप्ट कर रही है एग्जीक्यूटिव के पावर्स को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यायिक सक्रियता और लोकतंत्र, तो कई बार इससे लोकतंत्र के ऊपर भी खतरा उत्पन्न होता है क्योंकि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज हैं उनके कामकाज में दखलंदाजी, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, मनमोहन सिंह जी ने भी बोला था अभी कुछ दिन पहले, अरुण जेटली जी ने भी इस बारे में स्टेटमेंट दिया था न्यायपालिका के बारे में, तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है कितनी प्रासंगिक है, कितनी उचित है, और क्या ये सही है, कितना गलत है, इन सब चीज़ों पर आपको विचार करना होगा विद एग्जाम्पल्स। तो आपके पास एग्जाम्पल्स मीडिया से, न्यूज़पेपर से आपके पास अभी तक होंगे, जो चीज़ें सोची हैं आपने एक बार उनको सोच लेंगे तो एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इससे के साथ ये अच्छी चीज़ होती है कि आपको एज इट इज चीज़ें याद नहीं रखनी होती है, आपको याद है तो आप अपने शब्दों में बड़े आराम से लिख सकते हैं। विकास बनाम पर्यावरणीय चिंताएं, ये भी जब से विकास की दौड़ चल रही है, पर्यावरण के प्रति संकट उत्पन्न होता चला गया है, बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इससे रिलेटेड चिंताएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है वो इसी से लाई गई है कि भाई विकास पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण के साथ चलते हुए हम लोग विकास करें। अभी जैसे इसके लिए एक रिलेवेंट एग्जांपल देखिए कि दिल्ली में कुछ सरकारी कॉलोनीज बनाने के लिए 16,000 पेड़ काटने के आदेश दिए गए थे, हालांकि फिर बाद में मीडिया में ये चीज़ आई, हो हल्ला हुआ, फिर नंबर्स पे खेले गए कि 16,000 नहीं 11,000 है। अरे भाई जब एक एक पेड़ कीमती है तो नंबर्स में क्या फ़र्क पड़ता है कि 16,000 की 11,000। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स, अब इसमें जैसे अभी कई सारे कानून हैं जैसे पेड़ों को काटने के बाद उसके बदले में क्या करते हैं, वन विभाग उतने ही पेड़ लगा देता है। तो आप सोचिए कि क्या एक बढ़ा हुआ पेड़ जिसको काट के आप दूसरा पेड़ लगाते हैं उसकी जगह ले सकता है, उस पेड़ को बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो जो वो प्रोडक्टिविटी दे रहा है उस पेड़ को प्रोडक्टिव बनाने में कितना साल लग जाएगा, तो वर्तमान स्थिति किस तरह से प्रभावित हो रही है। और ये नंबर गेम्स के चक्कर में क्या होता है, वन विभाग ने पेड़ लगा दिया, कितने क्षेत्रफल में लगाया, पेड़ की काउंटिंग तो हो गई, वो पेड़ उसमें से कितने बचे, कितने जिंदा रहे, वो जो इकोसिस्टम पेड़ के चारों तरफ डेवलप हो जाता है उसका क्या, वो कैसे डेवलप करेंगे। तो ये विकास बनाम पर्यावरणीय चिंता, देखिए समाधान हम लोग फौरी तौर पर देते हैं कि ठीक है पेड़ काट लिया उसके बदले में पेड़ लगा दे रहे हैं, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, वो एक समाधान नहीं है, ठीक है। इसी बारे में अभी ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है कि जो पौधे हैं, जैसे विदेशों में कई बार आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होगी कि बड़े पौधों को उखाड़ के
और दूसरे जगह ट्रांसप्लांट कर दिया था ताकि उनको काटना ना पड़े, वो भी एक सोल्यूशन है, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली। टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, हमारे यहाँ वो एक्सपर्टीज है या नहीं है, वन विभाग कितनी तैयार है उस चीज़ के लिए। इवन वो भी कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं है, बट एक बेहतर सोल्यूशन है जो हम कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पर आपको डिस्कशन करना होगा और निश्चित रखिए कि आपको उस तरह में उस क्रम में समाधान भी प्रस्तुत करने होंगे। तो जैसे ट्रांसप्लांटेशन एक समाधान है जो आप प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। पूंजीवाद और समावेशी विकास, तो ये भी एक पुराना टॉपिक है, लेकिन ये 2015 में पूछा गया है यूपीएससी में कि पूंजीवाद समावेशी विकास को प्रोत्साहन दे रहा है या उसको नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कई सारी रिपोर्ट आई हैं कि 1% लोगों के पास इतने परसेंट, 56% से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, नीचे के 10%, नीचे के 40% लोगों के पास 2% या 4% संसाधन हैं। तो पूंजीवाद की वजह से ये डिवाइड और बढ़ रहा है कम होने के बजाय, जैसा कि माना जाता था पूंजीवाद क्या है, सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो इससे रिलेटेड तमाम रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उन्हें आप कलेक्ट करें और इस रिलेटेड टॉपिक पे आप अपनी फ्रेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्थिक समता का प्रेरक या असमानता का जनक, देखिए ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। तो डिजिटल, हम लोग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, बार बार वित्त मंत्री जी कहते हैं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए हम लोगों को, डिजिटल इकोनॉमी। बट डिजिटल इकोनॉमी की वजह से क्या आर्थिक समता, क्योंकि अल्टीमेट एम जो है एक राष्ट्र के रूप में भारत का क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य का, जिसमें हम लोग प्रस्तावना में क्या कहते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय और समता, ये चीज़ सुनिश्चित करनी है। तो क्या हम इससे वो चीज़ सुनिश्चित कर पा रहे हैं या नहीं। तो अभी भी डिजिटल डिवाइड की बात हम लोग कर सकते हैं कि साक्षरता हमारी कितनी है, इस क्रम में क्या होगा, कई ऐसे सारे लोग जो डिजिटली ज़्यादा साक्षर हैं वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं कई सारे लोग जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो इस क्रम में पिछड़े हुए हैं वो बहुत ही पीछे चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको विचार करते हुए अपना समाधान भी प्रस्तुत करना है, ठीक है। क्या वैश्वीकरण समाप्ति की ओर, वैश्वीकरण में क्या है, फ्री ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी, लोगों का आवाजाही, तकनीकी का हस्तांतरण, ये सारी चीज़ों पर क्या हो, बैरियर कम से कम हो, ताकि पूरा विश्व जो एक गाँव के रूप में बदल जाए या एक देश के रूप में बदल जाए, कि कोई भी कहीं भी आ जा सकता हो, तकनीकी का हस्तांतरण आसानी से हो सकता हो। हालांकि बाधाएं हमेशा से रही हैं, धीरे धीरे कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वैश्वीकरण जो है वो क्षेत्रीकरण या संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रहा है। जैसे अभी इस क्रम में US का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रंप के बहुत सारे उसने ऐसे कदम उठाए हैं जो एक तरह से प्रतिगामी कदम कहे जा सकते हैं। तो इन तथ्यों पर आपको विचार करना होगा कि क्या वैश्वीकरण वास्तव में समाप्ति की ओर जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है या नहीं, ठीक है। पर्यटन एक बड़े अवसर के रूप में, टूरिज्म, प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं तो वो टूरिज्म को बहुत प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टूरिज्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये आने वाले समय में जॉब प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा सेक्टर बनेगा और इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। देखिए, अगर आपने नोटिस किया हो तो आजकल लोगों के अंदर घूमने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। एक मिडिल क्लास के लोग भी आजकल साल में एक बार दो बार घूमने के लिए कहीं ना कहीं प्रोग्राम जरूर बना लेते हैं। और पहले आप सोचते होंगे बाहर जाने वाले लोग आपको बहुत कम दिखते होंगे, लेकिन अब आपको हर तीसरे चौथे पांचवें घर में दिख जाते होंगे लोग जो बाहर से घूम के आ रहे हैं, ठीक है। थाईलैंड, मलेशिया, ये सब जगह जाना, आप केरला जाइए या थाईलैंड मलेशिया जाइए, खर्चा बराबर ही आ जाता है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे समस्याएं भी हैं भारत में कि कैसे इस सेक्टर को हम लोग, इस सेक्टर का दोहन किया जाए, कैसे इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। तो इस बारे में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। तो एक अवसर तो है, लेकिन इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि चुनौतियां भी हैं। तो एक अवसर के रूप में ये कितना हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कितना हम लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कशन करना होगा। तो टूरिज़्म के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहिए, भारत में क्या क्या संभावनाएँ हैं, जैसे मेडिकल टूरिज़्म का सेक्टर अभी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो इस तरह से कुछ नवीन क्षेत्र जो हैं, विलेज टूरिज्म प्रमोट किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप यहाँ पे इंक्लूड करते हुए इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा टॉपिक है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, और 2014 UPSC में पूछा भी गया था, ठीक है। शहरीकरण एक छद्म लाभ, हालांकि ये 2008 में पूछा गया था, लेकिन चूंकि अभी स्मार्ट सिटी मिशन का मिशन बहुत तेज़ी से चल रहा है और उसके बारे में बहुत प्रचारित एक तरह से स्कीम है ये, तो शहरीकरण पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। तो शहरीकरण
कितना फायदेमंद है कितना नुकसानदायक है, इसको इस पर आपको विचार करना होगा। देखिए, शहरीकरण का मतलब शहर बढ़ रहे हैं, शहरों में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप उनके बारे में विचार कीजिए। बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, पेड़ पौधे, हरियाली कम होती है, खेती की ज़मीनें कम होती चली जा रही हैं। तो शहरीकरण से जितना लाभ है, ग्लोबल वार्मिंग के में कंट्रीब्यूशन शहरों का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इन सब एस्पेक्ट्स पे आपको विचार करना होगा कि भारत के लिहाज से शहरीकरण से फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा है, शहरीकरण किस तरह से करना चाहिए ताकि उसके नुकसानों से बचा जा सके। ठीक है, तो कुछ आंकड़े और इस तरह की एनालिसिस इसमें इसमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी जो है भारत में, जो एजुकेशन पॉलिसी है इस समय बहुत ही चेंजेस से गुजर रही है और बहुत सारे एजिटेशंस हो रहे हैं। अभी आपने देखा शिक्षा मित्रों का लेकर हुआ, और हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हमेशा आए दिन कोई ना कोई हड़ताल, कोई ना कोई धरना प्रदर्शन चलता रह रहा है। तो शिक्षा से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है कि किसी राष्ट्र की नियति विद्यालयों में निर्धारित होती है। ये भी पूछा हुआ है, ईयर मैंने मेंशन नहीं किया, आई डोंट रिमेंबर कि क्या था, लेकिन ये पूछा हुआ टॉपिक है कि किसी राष्ट्र की नियति विद्यालयों में निर्धारित होती है, तो ये वास्तविकता भी है। तो ये एक तरह से समझिए कि ये पूछने का मतलब ये है कि निर्धारित होती है भारत के संदर्भ में, आप इसको कहाँ तक पा रहे हैं कि हम कितना निर्धारित करने में सफल हैं, कितनी समस्याएं हैं, इन्हीं सब चीज़ों में विचार करना है आपको। तो कुछ आंकड़े आपके पास होने चाहिए इससे रिलेटेड कि अभी शिक्षा स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, प्रथम की रिपोर्ट आती रहती है हमेशा, असर रिपोर्ट जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो उस रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें इकट्ठा करिए कि हमारे एजुकेशन का लेवल कितना डाउन है, सरकारी स्कूलों का क्या कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर में फीस, कैपिटेशन फीस का, डोनेशंस का, इन सब का है क्या चक्कर, टॉप के जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। अभी जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, प्राइवेट विश्वविद्यालयों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में, प्राइवेट विश्वविद्यालयों की भूमिका पर एक टॉपिक पूछा गया था, तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर क्या भारतीय समाज वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार है, विश्व गुरु बनने की चाहत भारत के अंदर अभी जो है शीर्ष लीडर के स्तर पर देखें तो ये कोशिश भी जारी है और बार बार इस चीज़ को दोहराया भी जाता रहा है, लेकिन क्या हमारी सोसाइटी उस चीज़ के लिए तैयार है? विश्व लीडर बनने के लिए हमारी सोसाइटी को भी उस लेवल पर तैयार होना पड़ेगा। तो अपनी सोसाइटी में जो वर्तमान में समस्याएं, कॉन्फ्लिक्ट विद्यमान है, उनके बारे में आप लोग थोड़ा फ्रेमवर्क करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नए भारत की महिला एक मिथक, तो भारत में वर्तमान भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उस हद तक सफल नहीं हुए हैं और कई सारे और नए इश्यूज जनरेट होते जा रहे हैं, जैसे महिलाओं के प्रति अपराध में निरंतर वृद्धि हो रही है, रेप के मामले में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो महिलाओं के प्रति अत्याचार में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। तो हम नई सशक्त महिलाएं बना पा रहे हैं या नहीं, हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं या नहीं, या उनके खिलाफ हम लोग और निगेटिव ही जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सच्चे धर्म का दुरुपयोग नहीं होता, ये टॉपिक भी बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, थोड़ा फिलोसफिकल है, सांप्रदायिक उन्माद, सांप्रदायिक संघर्ष, सांप्रदायिक दंगे इस समय बहुत तेजी से बढ़े हैं, लोगों के बीच में सांप्रदायिक स्तर पर, धर्म के स्तर पर बंटवारे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही है, सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये टॉपिक जो लोग थोड़े फिलोसफिकल हो वो इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि एग्जाम्पल्स की भरमार है इसमें। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ साथ सच्चे धर्म, तो इसमें आप सूर कबीर तुलसी से लेकर के सभी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं कि सच्चा धर्म, सच्चे धर्म का कभी दुरुपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि हर धर्म क्या सिखाता है, शांति के साथ रहना सिखाता है, मेलजोल सिखाता है, ईश्वर प्राप्ति के अलग अलग रास्ते हैं। विवेकानंद का फेमस कोट है कि ये अलग अलग धर्म क्या है, ईश्वर तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं, पहुँचते सभी एक जगह हैं, जैसे नदियाँ सब सागर में मिलती हैं वैसे ही सभी धर्म एक जगह जाके एक ईश्वर को प्राप्त करते हैं, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर ये डिवाइड क्यों है, इन सब चीज़ों का एनालिसिस आपको करना है। योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आयुष्मान भारत, तो आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ी योजना अब तक की मानी गई है कि इतनी बड़ी योजना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना विश्व की मानी जा रही है इसको, कि 10 करोड़ परिवारों को, लगभग 50 करोड़ लोगों को ये कवर कर रही है, लेकिन सिर्फ योजना डिक्लेयर कर देने से वो सफल भी हो जाए या वो उसके जो टारगेट है वो पूरे हो जाए, उसकी व्यवहारिकता का परीक्षण आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि आयुष्मान भारत में जो मैकेनिज्म्स प्रोवाइड किए गए हैं उससे किस तरह से लाभ होगा, पिछले क्या एक्सपीरियंसेज रहे हैं हमारे, वर्तमान स्थिति क्या है, इसे प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका हो सकती है, निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है, इंश्योरेंस के साथ साथ हमें और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होगी। जैसे अभी क्या है, हमारे यहाँ रूटीन चेकअप शहरों में तो काफ़ी सारे लोग थोड़े अवेयर हुए हैं, पर गाँव में और इन सब जगहों पर रूटीन चेकअप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है,
कि आप साल में एक बार अपना ब्लड चेकअप ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं कि अगर आप रूटीन चेकअप शुरुआती दौर में आपको पता चल जाए तो आप बहुत आसानी से उसको कंट्रोल कर लेते हैं, पर हमें पता कब चलता है, जब हम उसके क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो रूटीन चेकअप की अवधारणा को गवर्नमेंट को कैसे प्रमोट करना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर के आप इसकी सार्थकता का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होगा कि होना चाहिए कि आयुष्मान भारत में क्या क्या मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किए गए हैं, कैसे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और फिर बजटरी एलोकेशन क्या है, ये सब थोड़े बहुत डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी बहुत चर्चित रहा है, तो जीएसटी के एक वर्ष में क्या फ़ायदे नुकसान और कितना अप्लीकेबल है, इसके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं, उस पर कंट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही किसानों की आय दुगनी करने की घोषणाएं तो बार बार होती रहती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा हो पा रहा है कि नहीं, तो इस पर आपको थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इन पर फ्रेमिंग कीजिए, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट इससे रिलेटेड आप एक बार फ्रेम कीजिए कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहेंगे। धन्यवाद।